name is Kaartik Gupta and I am a clinical psychologist at AKGsOVIHAMS Medical Centre. आज हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे. एंजाइटी एक बहुत ही कॉमन या नेचुरल फिनोमेना है जो हम सभी को कभी ना कभी या किसी ना किसी सिचुएशन में एक्सपीरियंस होता है. एंजाइटी के अपने कुछ फायदे भी हैं. जैसे अगर हम इसके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बात करें तो एंजाइटी ही था या अराउजल स्टेट ही थी जिसने इंश्योर किया कि हमारे स्पीशीज सर्वाइव करे, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस में, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में रहते थे जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स थे या नेचुरल डिजास्टर्स होते रहते थे. तो उस टाइम पे एंजाइटी ने उनको बचा के रखा. वही कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स हमको एंजाइटी हमारे साथ रही है. और तो अब हम उतने डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में नहीं रहते, बट जब भी हमें कहीं ना कहीं थ्रेट महसूस होता है, चाहे वो रियल थ्रेट हो या परसीव्ड थ्रेट हो, हमारी जो एंजाइटी या हमारा जो एंजाइटी का रिस्पांस है वो एक्टिवेट हो जाता है. एक्टिवेट होने का मतलब है कि हमारी बॉडी इस तरीके से बनी हुई है कि जब भी हम अराउज होते हैं, जब भी हमें थ्रेट महसूस होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट फ्लाइट या फ्रीज रिस्पांस के मोड में आ जाती है. जिसका मतलब ये होता है कि या तो हम उस सिचुएशन में लड़ेंगे या हम उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करेंगे या हम बिल्कुल नम हो जाते हैं. इसीलिए अगर हम सिम्टम्स की बात करें एंजाइटी के, या जो हमें कॉमनली महसूस होते हैं, कि उसके फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे कि हमें हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग हमारी हैवी होने लगती है, कई लोगों को स्वेटिंग होने लगता है, स्पेशली पाम्स स्वेटिंग हो जाते हैं, ड्राई माउथ होने लगता है, तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं एंजाइटी महसूस होने के. साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं कि हम ओवर थिंक करने लगते हैं, हम फ्यूचर के बारे में डरने लगते हैं, हम एप्रीहेंसिव होने लगते हैं, एक ही टाइम पे दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं जिसको हम रेसिंग थॉट्स बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा करते हैं. तो ये सारे इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं. बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज या बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं कि हम रेस्टलेस होने लगते हैं, हम फिजिटी होने लगते हैं, कई लोग दे स्टार्ट पेसिंग अप एंड डाउन और दे स्टार्ट स्पीकिंग फास्टर, कई लोग फंबल करने लगते हैं या इवन स्टैमर करने लगते हैं. तो ये बिहेवियरल सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के जो दूसरों को भी महसूस होते हैं या उनको दिखने लगते हैं. हम जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो वो डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है कि जब ये एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा सिवियर हो जाए या इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाए और इतना फ्रीक्वेंटली एक्सपीरियंस होने लगे कि हमारी जो पर्सनल ऑक्यूपेशनल और सोशल फंक्शनिंग है उस पर उसका इम्पैक्ट आने लगे, तब हम एंग्जाइटी को एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में कई सारे सब टाइप्स होते हैं, जैसे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसको हम GAD कहते हैं, या कॉमनली हम उसको फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी बोलते हैं, कि उस जिस व्यक्ति को GAD की प्रॉब्लम रहती है वो हर सिचुएशन में या बहुत सारी बातों के लिए टेंशन में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है. इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको लगातार 6 महीने के लिए ऐसे सिम्टम महसूस होते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी में स्टिफनेस रहती है, नौसिया हो सकता है, रेस्टलेसनेस रह सकती है, बॉडी एक्स होने लगते हैं, और कभी पैल्पिटेशंस भी बहुत कॉमन सिम्टम उसका होता है. दूसरा हो सकता है फोबिया, या जिसको कॉमनली हम फियर भी बोलते हैं. तो इट इज़ अ फियर ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन और एन ऑब्जेक्ट और बेसिकली अ स्पेसिफिक सिचुएशन. तो उस सिचुएशन को हम अवॉइड करने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत थ्रेटनिंग है या बहुत डेंजरस है, और उस अवॉइडेंस की वजह से ही हमारा डर बढ़ता रहता है. एक और टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति को पैनिक अटैक्स होते हैं जहाँ पे पैल्पिटेशंस होते हैं, ब्रीदिंग बहुत हैवी होने लगती है, उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं हार्ट अटैक ना आने लगे या वो कोलैप्स ना कर जाए. तो हमने कई बार ऐसे देखा है कि जिन व्यक्तियों को पैनिक अटैक होता है वो हॉस्पिटल भागते हैं डॉक्टर, स्पेशली अपना ECG करवाने के लिए, कहीं उन्हें हार्ट अटैक तो नहीं होगा. तो ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है या कॉमन टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर है. एक और OCD, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को रेपिटेटिव थॉट्स, इमेजेस या इम्पल्सेस आते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं रहते, बट वो रिपीटेडली आते रहते हैं, जिस वजह से व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस महसूस होता है, तनाव महसूस होता है या एंग्जाइटी महसूस होती है. उस एंग्जाइटी को डील करने के लिए वो कुछ ना कुछ रिपीटेड बिहेवियर्स करते हैं जिसको कंपल्सन्स बोला जाता है. जैसे इसकी कॉमन थीम्स हो सकती हैं साफ सफाई को लेके, कि छोटी सी भी चीज़ अगर कहीं हाथ लगा तो हाथ कहीं गंदा ना हो या बीमार ना पड़ जाए, तो उसका रिस्पॉन्स या उसका कंपल्सिव एक्शन बनता है कि द पर्सन स्टार्ट्स वॉशिंग देयर हैंड्स अगेन एंड अगेन और दे टेक बाथ अगेन एंड अगेन. ऐसे ही कुछ हो सकते हैं जो लोग बार बार लॉक्स चेक करते हैं या गैस्ट्रो चेक करते हैं कि वो बंद है कि नहीं.
तो ये ओसीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे बाकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लिए भी बेस्ट ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एंड साइकोथेरेपी होता है। मेडिसिन में साइकियाट्रिक मेडिसिन हो सकती हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन और इवन होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। साइकोथेरेपी में सीबीटी विच इज़ वन फॉर्म ऑफ थेरेपी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पे हम थॉट प्रोसेस पे फोकस करते हैं। व्यक्ति की जो फॉल्स परसेप्शन है या उनका जो थिंकिंग एरर है, जैसे जो बात या जो सिचुएशन एक्चुअली इतनी डेंजरस नहीं है, इतनी थ्रेटनिंग नहीं है, उसको वो किस तरीके से थ्रेटनिंग सोच लेते हैं या उसमें ज़्यादा कैटेस्ट्रोफाइज करने लगते हैं कि ये मतलब दे स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीम्स कि ये हो जाएगा इस सिचुएशन में, वो हो जाएगा, और दे फील कि दे आर नॉट इन कंट्रोल। तो थ्रू थेरेपी दैट इज व्हाट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे एरर हो रहा है या प्रॉब्लम हो रही है, उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उसको मॉडिफाई करते हैं एंड द पर्सन इज ट्रेंड टू थिंक इन अ डिफरेंट मैनर। और जब उनकी परसेप्शन चेंज होती है, दे स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। जब उनका बिहेवियर होता है कि दे स्टार्ट फेसिंग द सिचुएशन मोर ऑफन, वो उसको ज़्यादा फेस करते हैं, उसको कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं, तो उनका एंग्जाइटी और उनका जो डर है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं या रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है जो सिखाया जाता है व्यक्ति को टू काम देमसेल्व्स डाउन ऑन अ जनरल बेसिस, स्पेशली जब उनको कोई एंग्जाइटी होती है तो उस टाइम के लिए भी वो चीज़ काम करती है। इसके अलावा एक चीज़ और समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने पहले कहा, एंग्जाइटी एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है जो हम सभी को होता है। तो अगर हम एंग्जाइटी से ना डर के उन सिम्टम्स को होने दें, वो ऑटोमेटिकली अपने आप सबसाइड कर जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से प्रोग्रामड ही नहीं है कि हम उस स्टेट में बहुत देर के लिए परसिस्ट कर सकते हैं या रह सकते हैं। तो अगर हम एंग्जाइटी उस टाइम पे होने दें, इट विल ऑटोमेटिकली सेटल डाउन विदाउट अस डूइंग एनीथिंग। सो यू जस्ट लेट द एंग्जाइटी बी, यू जस्ट बी विद द एंग्जाइटी एंड लेट इट पास, एंड इट विल यू विल फील बेटर ऑटोमेटिकली। इसके अलावा अगर आपको कभी कोई आपको या आपके किसी परिवारजन को ऐसी एंग्जाइटी के सिम्टम्स महसूस होते हैं या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप हमारे AKGsOVIHAMS मेडिकल सेंटर्स जो कि दिल्ली में पीतमपुरा, रजौरी गार्डन और मोतीबाग में अवेलेबल है, आप हमसे आके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।